जनपद संभल के चंदोसी क्षेत्र के बनियाठेर थाना क्षेत्र में 23 मार्च को लूट के बाद हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा, 2 नजायज चाकू व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। एसपी ने किया मामले का खुलासा। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या व लूट का खुलासा करते हुए बताया कि चंदोसी क्षेत्र के थाना बनियाठेर में 23 मार्च को नेहटा से पथरिया जाने वाली मार्ग पर वेदराम पुत्र लाखन सिंह निवासी मोहल्ला लुधियान कस्बा थाना चंदोसी के साथ लूट कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर 3 नाम दर्ज लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना में तीनों की संलिप्तता नहीं पाई गई तथा पुलिस ने जांच में सलीम अली गोहर व अनस के नाम प्रकाश में आए। थाना बनियापुर पुलिस व सर्विलांस एसओजी की टीम ने चंदोसी रोड पर चाय के खोखे के पास कस्बा नरोली से सलीम अली गोहर व अनस को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। क्या मामला है सर, ये खुलासा हुआ है? थाना बनियाठेर के अंतर्गत 23 तारीख की शाम को एक युवक की, जो अपनी मोटरसाइकिल से इस रोड से जा रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पास से कुछ सामान भी छीना गया था। इसमें हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था। आज 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सलीम अली गौहर और अनस हैं। ये तीनों कस्बा नरौली थाना बनियाठेर के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा पूछताछ में यह स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा शराब के नशे में वहाँ पर व्यक्ति से छीना झपटी करने के बाद छिनैती की कोशिश की गई। छिनैती में प्रतिरोध करने पर इनके द्वारा इनमें से एक के पास में अवैध शस्त्र से फायर किया गया, जिसे सिर में गोली लगने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास कोई नहीं है। इनकी अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। इसमें एक और पॉइंट है कि जो मृतक है उसके घर वालों की तरफ से 3 अभियुक्तों को नामजद कराया गया था। उन तीनों का इसमें घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। उन तीनों को उनका नाम इससे पृथक करते हुए ये 3 जो है सलीम अली गौहर और अनस, इनको जेल